विवेकानंद पांडे जी, पूर्व विधायक पवन केड़िया जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, वयोवृद्ध नेता गौ सेवा आयोग के हमारे उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जय प्रकाश शाही जी, चुनाव प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, चुनाव संयोजक अवधेश सिंह जी, विनय जायसवाल जी, राजेश्वर सिंह जी, संजय सिंह मुन्ना जी और भारी संख्या में उपस्थित पलटोना, कुशीनगर, हाटा, खड्डा, रामकोला के मेरे सभी बहन और भाइयों, सचमुच आज आपने इस भीषण गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। इसके बाद परसों केवल आप घर घर संपर्क कर पाएंगे और 1 जून को मतदान होना है। अब तक मुझे देश के अंदर 12 से 14 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, जहां कहीं भी जाता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है और वो नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार का जब नारा लगता है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। वह तो कुल 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 60 में भी 5 सीट ऐसी हैं जो एक ही परिवार, एक ही खानदान, सिफई खानदान की है। बहन और भाइयों, जो हम लोगों से पूछते हैं, भाई ये 400 पार कैसे होगा बताओ, तो जनता जनार्दन जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं जनता जवाब दे देती है। बहन और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद साक्षी है। हम नारा लगाते थे 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, लगातार 2019 तक नारा लगता रहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर, रामलला हम आएंगे मंदिर वही। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर के मार्ग में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो, राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कहता हूं, जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा पार ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सच है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आप ही है ना। जब आप कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है, तो बहनों और भाइयों, यही सांसद हमारी ताकत बनता है, यही विधायक हमारी ताकत बनता है और उसके बल पर तब
विकास भी आता है। तो लोक को तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन लोक के बाद परलोक भी जाएंगे तो पूर्वजों को ही बोलेंगे कि देखो राम मंदिर आपका संकल्प था, आप जीते जी नहीं देख पाए, हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है, अब परमराम की कृपा आप पर भी और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संकल्प की पूर्ति, आपके संकल्प की पूर्ति करके आया हूं। चलो भैया, आज एक नया भारत हमारा बन रहा है, एक नया भारत, एक नया भारत, सम्मान दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, पूरा पंडरौना, पूरा कुशीनगर जनपद उमड़ रहा है हाटा में, एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार हो, त्योहार की तरह उमड़ रहा है। बहनों भाइयों, यही लोकतंत्र का पर्व है, दुनिया वालों देखो कैसे लोकतंत्र होता है, ये हाटा में इसका नजारा है, देखो आपकी देखा देखी, आपके जन सैलाब को देख करके सूर्य देव भी कृपा कर रहे हैं और वह भी छाया करने लग गए हैं। बहनों भाइयों, मैं तो केवल आपसे ये कहने के लिए आया हूं, देखिए आज देश का नजारा बदल चुका है, पडरौना फोर लेन की सड़कों से पूरी तरह जुड़ चुका है। बहनों भाइयों, इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, ये पहले एक सपना था लेकिन आज हकीकत है। अरे आप ही के साथ के लोग हैं, रेला जो है आप ही को मिलने के लिए आ रहा है, आप पहले आ गए तो आप पहले आ गए हैं तो आपको कुर्सी मिल गई, छाजन मिल गया, पीछे वालों को बेचारों को भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पंडाल भीड़ के नाते छोटा पड़ता जा रहा है। बहनों भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हो गया है, एयरपोर्ट बन गया है, कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म का एक नया